जैसे बात करते हैं जो टहनी और तने का झुलसाव होता है, जिसको हम ट्विग एंड स्टेम ब्लाइट बोलते हैं, तो ये जी बीमारी बेसिकली फफूंदी की वजह से होती है। तो इसके डेफिनेटली बारे में काइंडली अगर आप एड्रेस कर दें ताकि किसानों की रहनुमाई हो जाए, उसकी अगर तस्वीर वगैरह है तो वो शेयर कर दें। ये सबसे पहले तो ये है जी जी ब्लाइट्स, वो जो आर्टरिया लीफ ब्लाइट्स हैं ये मेन लीव्स के ऊपर भी आ रहे हैं, और ये जैसे इसका फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो ये बॉल्स के ऊपर भी आ जाते हैं। अच्छा, अब ये जो आप कह रहे हैं ना, बिल्कुल अभी स्टेडियम स्टेज पे, वो मेरे पास वक्त उसकी पिक्स नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको ये जितने भी कॉटन के ब्लाइट्स के फंगल के इश्यूज हैं जो कि स्टार्ट में सीडलिंग के ऊपर या आपके कॉटिलेडन के ऊपर या स्टेम के ऊपर, इवन पहले चार जो हकीकी पत्ते हैं जिसको फ्रूट लीव्स कहते हैं उनके ऊपर, तो आप कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मेरा वैसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो फोस्टॉल एल्यूमिनियम कैन से ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ, जिसको हम लोग हमारे फार्मर कहते हैं ये इलेट वाला जहर जो है, तो वो उसके साथ अच्छा कंट्रोल हो जाता है। प्रोपेक्लोनाजोल भी बहुत अच्छा है, उसके साथ भी इजीली मैनेजेबल हो जाता है। नॉर्मली ये मोर देन 96-97-98% अबव 95% ये प्रॉब्लम फेस में होता है जहाँ पे पोटैटो हो या जहाँ ह्यूमिड अपना सॉइल मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो वहाँ सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भाई उसका जो मॉइस्चर लेवल है, उसका जो इरीगेशन इंटरवल है, उसको बढ़ा देना चाहिए फौरी तौर पर, ताकि कम से कम कुछ सॉइल थोड़ा सा ड्राई हो। और उसके बाद प्रॉब्लम अगर बढ़ रहा है तो कोई तौर पर इतनी जो मैंने पहले बयान किए हैं, मैंने फंगीसाइड जितनी भी हैं इनमें से कोई भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगीसाइड लेकर फौरन उसको अप्लाई कर देना चाहिए फौरन। अब साहब इधर मेरा क्वेश्चन है, मुझे आज एक पिक्चर रिसीव हुई है फार्मर की तरफ से, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ, उसको मुझे बताइएगा इसको क्या अटैक है, तो मुझे तो उसकी समझ नहीं आ रही, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये फंगल प्रॉब्लम नहीं है, ये फंगल प्रॉब्लम नहीं है, ये माल फॉर्मेशन है। ये किसी भी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम अपना सॉरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम कह दिया जो ब्रॉड लीफ फंगीसाइड है ना, अपना वीडिसाइड है ना, ये उसके रेजिडुअल इफेक्ट्स हैं। सम टाइम आपका जो हैंड स्प्रे होता है उसके जरिए आ जाते हैं, या साइड पे स्पेशली जहाँ पे शुगर केन होता है वहाँ पे स्प्रे वीडिसाइड स्प्रे हो रहा, तो उसके फ्यूम्स आ जाते हैं, उसकी वजह से ये पत्ते जो है ना भिंडी नमा हो जाते हैं उकरा लीफ टाइप। तो ये मालफॉर्मेशन है, और इसके ऊपर अगर हम कोई एक्सपेंस कर भी दें या कोई न्यूट्रल स्प्रे कर भी दें तो वो सेम टाइम लगता है, बिल्कुल ऐसे जैसे जैसे आपके वायरल इन्फेक्शन होती है ना फ्लू की, वो तो कहते हैं कि अगर मेडिसिन लेंगे तो 7 दिन में नहीं लेंगे तो 1 वीक के अंदर रिकवर होगी। तो ये मालफॉर्मेशन का इशू जो है ऑलमोस्ट 20-25 डेज में रिकवर हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो इसके ऊपर अगर एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं होती, कोई न्यूट्रिशनल एडिशन करने की जरूरत भी नहीं है, और किसी किस्म की कोई रेमेडीज की मेरे ख्याल में जरूरत भी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये रिकवर हो जाएगी। बात कर रहे थे और तने के झुलसाव के हवाले से, तो उसमें मैं किसानों को बताता चलूं कि ये जो बीमारी है ये खास तौर पे पत्तों, शाखों और टिंडों पर हमलावर होती है, और अगर दर्जा हरारत 27-35 डिग्री रहता है तो भी इसके चांस होते हैं, हवा में नमी की परसेंटेज है वो तकरीबन 80% रहे तो भी इसका चांस होता है कि हो जाती है, तो अगर वो परसेंटेज है वो तकरीबन 80% रहे तो भी इसका चांस होता है कि हो जाती है। अगर इस बीमारी की शिकायत हो तो मुख्तलिफ जहरें मौजूद हैं, जिनमें थायोफिनेट मिथाइल है 250-300 ग्राम फी एकड़ इस्तेमाल करें, और इसी तरह डाइफिनाक्विनाजोल है, डॉक्टर साहब ने भी बताई है डाइफिनाक्विनाजोल की 125 मिलीलीटर फी एकड़ डोज इस्तेमाल करें। तो अगर मजीद भी आपको समझ ना आए बीमारी की डायग्नोज में कि कौन सी बीमारी है, तो तस्वीर बनाएं और सावी की हेल्पलाइन पर शेयर करें, इंशाल्लाह आपको हम गाइड करेंगे। मजीद मालूमात और बरवक्त आगाही हासिल करने के लिए सावी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़े रहे और सावी की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फायदा उठाएं।